बाहर जाके भी पंजाबियां दे काटो कलेश मुक्कन दा ना नहीं ले रहे। झगड़े पावे दो परिवारां दे होण पर पीसे बच्चे जा रहे ने। इंग्लैंड विच पिछले साल 4 बच्चियां दे पिता दी हत्या दे मामले विच एक 25 साला सिख समेत 2 व्यक्तियां नूं दोषी ठहराया गया। गुरदीप संधु अते डडले विच रिचमंड रोड दे हसन तस्लीम ने 31 जनवरी 2021 नूं एक टैक्सी फर्म दे मैनेजर मोहम्मद हाउन जेब नूं गोली मार दित्ती सी। पुलिस ने एक बयान विच कहा कि हारून दी हस्पताल विच इलाज दौरान मौत हो गई सी। लॉफबो क्राउन कोर्ट विच केस दी सुनवाई तो बाद संधु अते तस्लीम ने अपना दोष कबूल कर लिया। दोहां ने नाल एक तीजा व्यक्ति भी सी जिसने इन्हां दी मदद कीती सी। पुलिस ने तीजे व्यक्ति शामराज अली नूं भी न्याय दे राह नूं विगाड़न दा दोषी पाया। तिन्हां नूं हिरासत विच भेज दित्ता गया। शामराज अली नूं बाद विच सजा सुनाई जावेगी। दस दईए कि यह हत्या 2018 च दो परिवारां दे आपसी झगड़े नूं लैके कीती गई सी। हालांकि हारून इस झगड़े विच शामिल नहीं सी पर उसनूं क्यों निशाना बनाया गया ये तां पता नहीं लग सकिया। पुलिस ने कहा कि साडे जासूसा ने इस मामले दी व्यापक जांच कीती है। बंदूक तस्लीम दे हाथ विच सी जबकि संधु कार दा ड्राइवर सी अते साजिश विच शामिल सी। पुलिस ने कहा कि उन्हां ने केस दी जांच लई हजारां घंटे सीसीटीवी देखे, फोरेंसिक, सोशल मीडिया ते फोन रिकॉर्ड दी वरतों कीती। पीड़ित परिवार दे मेंबरां ने अदालत दे फैसले तो बाद कहा कि लगभग 2 सालां तो असी हारून दी मौत दे इंसाफ लई लड़ रहे हां। असी पुलिस दी अंथक मेहनत लई धन्नवाद करदे हां। कतल दी जांच दी अगवाई करन वाले डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जिम मुनरो ने कहा कि एक योजनाबद्ध कतल सी अते बच्चियां ने अपने पिता नूं हमेशा लई गुआ दित्ता। कोई भी चीज उस दर्द नूं दूर नहीं कर सकदी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबस्क्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।